Hi everyone and welcome back to our channel. हम हैं मिलेनियल डुओ और आज हम आपको लेके जाएंगे हमारे साथ लंदन के एक क्विक ट्रिप पे। लीड से लंदन अगर आप ट्रेन से गए तो अराउंड 3 घंटे लगेंगे और बस में अराउंड 6 घंटे। हमने बस चूज़ किया क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट था हमारे लिए और बस स्टॉप भी हमारे घर के काफ़ी पास है। सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ा बट हम टाइम से पहुंच गए और फाइनली लंदन की ओर निकल गए। इसी बहाने हमने यूके की थोड़ी सी कंट्री साइड भी देख ली। अराउंड 6 घंटे बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, विक्टोरिया कोच स्टेशन। पहला डेस्टिनेशन जो हमने चूज किया वो था बकिंगम पैलेस। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ की काफी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस में से है। हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया बिल्डिंग को एडमायर करने में और मेमेंटो के लिए ये क्यूट सी फोटो खिंचवा ली। द क्राउन के इतने सीजन्स देखने के बाद बकिंगम पैलेस विजिट करना डेफिनेटली काफ़ी एक्साइटिंग था हमारे लिए। अब हम थोड़ा सा टायर्ड फील करने लगे थे तो हमने सोचा कि आज के लिए काफ़ी हो गया और गर्मी भी इतनी है, अब वापस होटल चलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम बरो मार्केट जाएंगे और ब्रेकफास्ट वहीं करेंगे। फिर से हमने ट्यूब ली और करेक्ट स्टेशन पे पहुंच के बरो मार्केट की तरफ वॉक करने लगे। अनइंटेंशनली हम लंदन ब्रिज पे पहुंच गए बिकॉज ये ट्यूब स्टेशन और मार्केट के बीच में था। ये ब्रिज तो इतना कुछ खास नहीं है बट यहाँ से टावर ब्रिज का बहुत ही अमेजिंग व्यू था। धूप और गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी बट थेम्स के पास ठंडी ठंडी हवा का मजा आ रहा था तो हम थोड़ी देर वहीं रुक गए। सूटकेस देख के सरप्राइज मत होना, हाँ हम सच में इसको पूरे लंदन में लेके घूम रहे थे क्योंकि हमें डायरेक्टली बस स्टेशन जाना था घूमने के बाद। बट इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थैंकफुली और हमने लंदन के काफी मेन स्पॉट्स विजिट कर लिए। यहाँ की एक इंटरेस्टिंग चीज हमें लगी यहाँ की बिल्डिंग्स, जिनमें से कोई कोई तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। थोड़ा सा और वॉक करके हम बरो मार्केट पहुंच गए। आई थिंक ये जगह हमें लंदन में सबसे ज़्यादा पसंद आई। ये मार्केट बहुत ही ह्यूज है और बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप यहाँ पे सब कुछ ट्राई कर सकें। हम सुबह ही वहाँ चले गए थे बट फिर भी काफ़ी रश था। फूड के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है और यहाँ का अमेजिंग फूड खाने के लिए लोकल्स और टूरिस्ट दोनों आते हैं। अलग अलग क्विजींस, बेक्ड गुड्स, डिजर्ट्स, चॉकलेट्स, फ्रेश जूसेस, सी फूड, यहाँ पे आपको हर चीज़ की वैरायटी मिल जाएगी। कुछ एक्चुअली ट्राई करने से पहले काफ़ी देर तक तो हमने मार्केट एक्सप्लोर करने में ही स्पेंड कर दिया।
रेस्टोरेंट्स में फ्रेशली कुक्ड फूड के अलावा यहाँ पे आपको बहुत टाइप के गोरमे चीज और वाइन भी मिल जाएंगे। काफी फ्रेश प्रोड्यूस भी है इस मार्केट में। पूरे यूरोप में चीज एंड कोल्ड कट्स काफी कॉमन है, स्पेशली समर्स में। बारो मार्केट में भी आपको इसके भी बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमें पर्सनली कोल्ड कट्स इतने पसंद नहीं है, तो हम और ऑप्शंस देखते रहे। यहाँ के कुछ रेस्टोरेंट्स काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, जो कि आपको इस लंबी लाइन से पता चल जाएगा। क्लासिक यूके। इस टाइम तक गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो ये फ्रेश फ्रूट का स्टॉल बहुत ही इररेसिस्टिबल लग रहा था। हम सब ने एक एक चूज कर लिया और मैंने सारी ड्रिंक्स ट्राई कर ली। निशांत की ड्रिंक ज्यादा टेस्टी थी, बट यूरोपियन समर में फ्रेश ऑरेंज जूस का मजा ही कुछ और है। आई थिंक हमें वो जगह फाइनली मिल गई जो हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे। जस्ट लुक एट दोस कबाब्स। इस ईरानियन स्टॉल में बन रहे थे फ्रेश कबाब्स कोल पे। दिखने में ये इंडियन चिकन टिक्का जैसे लग सकते हैं, बट टेस्ट में काफ़ी डिफरेंट और बहुत ही अमेजिंग थे। डेफिनेटली रेकमेंडेड अगर आपको स्मोकी चिकन पसंद है। एंड में ये डेजर्ट जरूर ट्राई किया और फिर हमने किया मार्केट से एग्जिट। गेट के पास ही हमें एक न्यू कोल्ड ड्रिंक के चिल्ड कैंस मिले। इतनी गर्मी में हम कैसे रिजिस्ट कर सकते थे, काश कर दिया होता। बहुत ही गंदे थे। नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी टावर ब्रिज, तो हम फिर से वॉक करने लगे। रास्ते में किंग्स कॉलेज लंदन को पास किया। यहाँ की यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स काफी ब्यूटिफुल होती हैं कभी कभी, और ऐसी सुंदर हेरिटेज बिल्डिंग के साथ ही आपको दिख जाएगी एक अल्ट्रा मॉडर्न बिल्डिंग जो बाहर से पूरी ग्लास की होगी और अलग अलग शेप्स में। फाइनली हमें दिखी टावर ब्रिज की पहली झलक। बहुत ही स्पेक्टेक्युलर ब्रिज है, एंड नाउ वी नो कि ये इतना पॉपुलर क्यों है। आप देख सकते हैं कि ये लोकल्स और टूरिस्ट के लिए काफी पॉपुलर स्पॉट है। समर्स में तो आपको पूरे यूके में ये देखने को काफी मिलेगा। जब भी सनी होता है, सब लोग धूप सेकने बाहर आ जाते हैं। हमने सोचा थोड़ा और पास जाकर देखते हैं इस ब्यूटीफुल ब्रिज को, और पास से तो ये और भी सुंदर दिख रहा है। अब यहाँ नीचे से तो काफी देख लिया, इसके ऊपर भी चलते हैं। हमने स्टेयर्स ढूंढे और लंदन के फेमस टावर ब्रिज पे पहुंच गए। आप देख सकते हैं कि समर्स में लंदन कितना ज्यादा क्राउडेड हो जाता है। यहाँ पे पूरे यूके और बाकी कंट्रीज के भी बहुत लोग घूमने आते हैं। एक चीज तो आप डिनाई नहीं कर सकते, लंदन एक बहुत ही यूनिक सिटी है। एज शाहरुख खान सेड, लंदन की बात ही कुछ और है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और हमने फोटोज और रील्स बनाए। बाय द वे, अगर आपने वो रील नहीं देखी, देन प्लीज गो चेक इट आउट ऑन आवर इंस्टा पेज। फाइनली जब गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, तो हमारी एनर्जी भी डाउन होने लगी। फिर से हम गए ट्यूब स्टेशन और चले गए बस स्टेशन की तरफ। लंच हमने विक्टोरिया स्टेशन पे ही कर लिया, और इतने में हो गया हमारे बस का टाइम। वी होप आपको लंदन का ये शॉर्ट ट्रिप का वीडियो अच्छा लगा। इस बार तो हम सिर्फ एक दिन के लिए गए थे, तो काफ़ी लिमिटेड जगह विजिट की। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप हमें और कौन सी जगह एक्सप्लोर करते हुए देखना चाहेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम लंदन जाएंगे, तब हम डेफिनेटली वो सब कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।